हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू बी फ्री में सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। वी हैव ऑलरेडी कंटिन्यूड दिस चैप्टर। मैंने आप लोगों को डिफिनीशन इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के लिए डिफिनीशन दिया था, एकांतर कोण, संगत कोण और अंतः कोण, यानी कि अल्टरनेट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड इंटीरियर एंगल। ओके, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को उस वीडियो से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। गाइज, यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, जिससे मेरे आवाज में मे भी थोड़ा आवाज उतना आप लोगों को सुनाई ठीक से नहीं देगा, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का ये स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज मेरे पास उतना टाइम नहीं मिलता कि मैं वीडियो बना सकूँ, क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा भी है और मैं एक फार्मासिस्ट भी हूँ। ओके, प्लीज आप लोग अपना कंटिन्यू करना पढ़ाई, घर में ही रहना और घर में ही रह के पढ़ाई करना। ठीक है, तो चलो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, चांदा से लाइन खींचा, कॉपी का पन्ना लिया, दोनों लाइनों के बीच एक तिर्यक रेखा खींचा, इसके परिणाम स्वरूप चार जोड़ी संगत कोण, दो जोड़े एकांतर कोण एवं दो जोड़े एक ही तरफ के दो अंतः कोण बने, उन्हें खोजकर उनके नाम लिखें, चांद की सहायता से जांच करें कि संगत कोण आपस में बराबर है, एकांतर कोण आपस में बराबर है, एक ही तरफ के अंतः कोण का योग समकोण अर्थात और समपूरक है। ओके, दो समकोण यहाँ होगा, एक ही दो समकोण या अर्थात समपूरक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया हुआ है। एक्चुअली मेरे पास चांद नहीं है, मैं आप लोगों को ड्राइंग से हल्का बता दे रही हूँ, आप लोग उसे माप के देख लेना। ओके, तो चलो मैं इस पे बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये देखो आप लोग, दो पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखा और एक ट्रांसवर्स यानी तिर्यक रेखा इसे काट रही है। ठीक है, उसके बाद हमें ये बहुत सारे यहाँ पे फोर पेयर एंगल मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ और यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी फोर पेयर हमें एंगल मिल रहे हैं। पहले हमें इसे लिखना होगा कि मैंने इसका नाम दे दिया ए बी। ओके, और इसका नाम दे दिया सी डी, इसका नाम मैंने दे दिया ई और एफ। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये एंगल है 1 एंगल 1 और ये मेरा सेम एंगल 2। मैंने आप लोगों को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, यानी संगत कोण, संगत कोण क्या होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, उनका पोजीशन सेम होता है। इसका मतलब ये जो 1 है वही सेम 1 2 भी होगा, यानी कि आप लोग जब चांद की सहायता से इसे मापोगे, तो यदि हम इसे सपोज यदि मैं इसे 110 ले रही हूँ तो मेरा ये भी 110 ही होगा। ठीक है, तो अभी मैं माप के तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं है, आप लोग खुद से कर लेना। ठीक है, तो ये संगत कोण हमारा हो जाएगा। एकांतर कोण कौन सा होगा, देखो आप लोग अच्छा से ध्यान से देखोगे तो मिलेगा एकांतर कोण। पहले तो हमें इन सबका नाम देना होगा, यदि मैं इसको 2 लिख रही हूँ तो यहाँ मैं 3 लिख रही हूँ। ठीक है, 3, ये हो जाएगा 4। ओके, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ओके, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे 4 पेयर एंगल बने हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण हमारा कौन कौन सा संगत कोण है ये हमें पहले लिखना होगा। तो आप लोग देखोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 1 एंड एंगल टू होगा। ठीक है, उसके बाद होगा एंड एंगल 3 एंड एंगल
4, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, देखो एक ही दिशा में है, पोजीशन भी सेम है, ठीक है। और इधर से होगा एंगल 5, एंगल 7, एंगल 5 एंड एंगल 7, ठीक है। और एक होगा एंगल 6 और एंगल 8, एंगल 6 एंड एंगल 8, ये हमारा कोरिस्पोंडिंग एंगल, यानी कि ये हो जाएगा हमारा संगत कोण, ठीक है। ये हो गया कोरिस्पोंडिंग एंगल। अब उसी तरह से हमें अब लिखना है अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं और इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ठीक है। तो टू पेयर यहाँ पे अल्टरनेट एंगल मिलेंगे, वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले टू पेयर अल्टरनेट एंगल, यानी कि ये हमारा एकांतर कोण है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल टू पेयर दो जोड़ा एकांतर कोण कौन कौन सा है, एंगल 3, ये देखो एंगल 3 एंड एंगल ये एंगल 7, ये ध्यान से देखना एंगल 3 एंड एंगल 7 हुआ, ओके। और कौन सा हुआ, एंगल 6 ये और एंगल 2, ओके। तो एंगल 6 एंड एंगल 2, ठीक है, ये भी हो जाएगा एंगल 5 एंड एंगल 2 भी होगा। तो यहाँ हम टू पेयर ही लिख रहे हैं। अब हमें लिखना है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मैंने डिफिनेशन में आप लोग को बताया था, इंटीरियर एंगल भी अंदर वाले जो एंगल होते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं, और अल्टरनेट एंगल अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे टू पेयर इंटीरियर एंगल यानी अंतः कोण कौन कौन सा है ये हम लिख रहे हैं। तो आप लोग इसमें देखो ड्राइंग में कौन कौन सा हमारा टू पेयर इंटीरियर एंगल है, एंगल 3, ये एंगल 3 एंड एंगल 2, सेम साइड का। यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेम साइड का, देखो लिखा हुआ है एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग। पहले तो हमें अंतः कोण कौन कौन से हैं, दो जोड़े यहाँ पे दो दो अंतः कोण, यानी कि हमें पहले ये निकालना होगा, उसके बाद हमें संपूरक है ये हमें देखना होगा, ओके। तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं कौन से हैं, एंगल 2 एंड एंगल 3 है, एंगल 3 एंड एंगल 2 पहले हम ये लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं एंगल 3 एंड एंगल 2, ओके। और हमारा एंगल 6 एंड एंगल 7 है, एंगल 6, एंगल 6 एंड एंगल 7, ओके, ये इंटीरियर एंगल हैं। अब आपको इसको चांद की सहायता से यानी विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आपको इसको माप के लिखना है कि ये कितना कितना है, ठीक है। यदि मैं इसको 1 लूं, यदि हमारा ये 1 यदि 110 जैसे मैंने पहले लिया है 110, यदि मैं इसको लूं तो हमारा एंगल 2 भी 110 ही होगा, क्योंकि क्या है ये संगत कोण है, ठीक है। तो कोरिस्पोंडिंग एंगल 110 ये होगा तो 110 ये भी होगा, ओके। अब ये यदि 110 हो गया, यदि ये 110 हो गया, तो आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज 7 में बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन का वैल्यू हमेशा 180 होता है। तो 180 में से अब एंगल 5 यदि हमें निकालना है तो 180 से हम 110 को माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी मैंने देखा नहीं कि आप लोग को नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 70 होगा, पहले ये 110 तो ये 110, ओके। और यहाँ एंगल 5 जो है, एंगल 5 को हम मापेंगे 180 से 110 को माइनस कर देंगे तो हमारा ये 70 डिग्री निकलेगा, ठीक है। जब ये 70 निकल जाएगा तो ये भी हमारा 70 होगा, क्योंकि ये हो जा रहा है सम्मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये 70 होगा तो ये भी 70 होगा। इस तरह से आप लोग
उसमें चांद की सहायता से विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप लोग इसे माप लेना, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू में देखो दिया हुआ है कि पास के चित्र के कोणों को देखें और संगत कोण, एकांतर कोण और तिर्यक रेखा की के एक ही तरफ के अंत कोणों को लिखें। यहाँ पे देखो ये ड्राइंग दे दिया है और इसी से हमें निकालना है, ठीक है। तो चलो हम निकालते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमारा कौन कौन सा होगा देखो हम लोग देखते हैं। पहले कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण कौन कौन से होंगे देखो। ये एंगल वन, ये एंगल एंड एंगल फाइव होगा, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं एंगल वन एंड एंगल फाइव, ठीक है। उसके बाद होगा एंगल टू, ये और एंगल सिक्स, एंगल टू एंड एंगल सिक्स होगा, ठीक है। और कौन सा होगा तो आप लोग देखो ये ध्यान से, एंगल फोर एंड एंगल एट हो रहा है, एंगल फोर एंड एंगल एट। और इधर से नीचे से एंगल थ्री और एंगल सेवन, एंगल थ्री एंड एंगल सेवन हुआ। ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण हुआ। अब एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे ये देखना है। अल्टरनेट एंगल एंगल फोर, ये वाला एंगल फोर एंड एंगल, ध्यान से देखना, एंगल फोर एंड एंगल सिक्स, देखो अपोजिट एंगल है, एंगल फोर एंड एंगल सिक्स होगा, ठीक है। और कौन से होंगे, एंगल थ्री एंड एंगल फाइव, एंगल थ्री एंड एंगल फाइव, ठीक है। ये हमारा अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण होंगे, एकांतर कोण। अब निकालेंगे हम लोग इंटीरियर एंगल यानी अंतः कोण। क्वेश्चन के अनुसार ऐसे ही हमें निकालना है, तो हम लिखते हैं इंटीरियर एंगल अंतः कोण। अंतः कोण कौन कौन से है ध्यान से देखना, एंगल फोर एंड एंगल फाइव, एंगल फोर एंड एंगल फाइव, सेम साइड का पूछा गया है इसलिए सेम साइड का लिखना है, एंगल फोर एंड एंगल फाइव, ओके। और कौन से है, एंगल थ्री, एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स, ठीक है। ये हमारे इंटीरियर एंगल है और इनको मिला के हमारा सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री है, एबी पैरेलल सीडी होने पर निम्न कोणों के मान लिखें। यहाँ पे तीन ड्राइंग दे दिया है, इसमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। इसमें यहाँ पे 55 डिग्री दिया हुआ है, ओके। क्वेश्चन नंबर बी में एक्स का वैल्यू निकालना है, यहाँ 68 डिग्री दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर सी में एक्स का वैल्यू निकालना है जबकि यहाँ पे 100 डिग्री दिया हुआ है, ओके। तो मैंने पहले ही ड्राइंग कर लिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो गाइज आप लोग यहाँ देखो, मैंने पहले से ड्राइंग बना के रखा है। मैं आप लोग को बता रही हूँ कि कैसे यहाँ पे क्या हमें करना है कि हमारा एक्स और वाई, इसमें एक्स और इसमें एक्स का वैल्यू निकल जाए, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ देखो कि ये 55 डिग्री है, यदि एंगल ये 55 डिग्री है तो हमारा एक्स यहाँ पे कैसे, यहाँ पे एक्स हमारा 55 ही होगा। क्यों होगा 55? क्योंकि ये सम्मुख कोण है यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये 55 होगा, तो ये भी हमारा 55 होगा। चैप्टर 7 में मैंने आप लोगों को बताया था, ओके। तो ये हमारा 55 है, तो ये भी हमारा सेम 55 ही होगा, ओके। तो जब ये 55 हो गया तो हम यहाँ पे x इक्वल टू हम 55 लिख देते हैं, ओके। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण
वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी ये जो 55 है तो ये भी 55 हो। यदि यहाँ पे यदि मान लो कि सपोज यहाँ यदि 70 होता तो हमारा ये भी 70 ही होता। ओके, तो चलो ये 55 है तो हमारा ये एक्स इक्वल टू 55 निकल गया। अब हमें वाई का वैल्यू निकालना है। ओके, तो चलो अब हम वाई का वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वाई का वैल्यू, देखो। तो गाइज आप लोग यहाँ ध्यान से देखो, यदि हमारा संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या था कि यदि ये 55 है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि यदि हमारा ये 55 है तो ये एंगल भी 55 डिग्री होगा, ये एंगल भी 55 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण। ओके, तो ये हमारा जब ये 55 निकल गया तो अब हम y कैसे निकालेंगे, आप लोग ध्यान से देखो। तो आप लोग को मिलेगा ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाला इस टाइप से बना हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे इस टाइप से दिया हुआ है, ये एंगल हमारा 55 हो गया है। यदि ये 55 हमें मिल गया है तो ये हम कैसे निकालेंगे, एक स्ट्रेट लाइन का वैल्यू कितना होता है, 180 होता है। तो ये 180 में से हम यदि 55 को माइनस कर लेते हैं तो हमारा y निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एंगल y निकाल लेंगे, y का वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे। सो हम यहां लिखेंगे y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। ये 55 कैसे आया, आप लोग यही देखना कि यहाँ एक संगत कोण यानी कि ये इक्वल टू एक सेम दिशा में है, सेम पोजीशन है। ठीक है, इसलिए ये 55 इक्वल टू 55 हुआ। ओके, अब ये जो 55 है तो सेम उसी तरह से यानी कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का वैल्यू 180 होता है, 180 में से हमें 55 माइनस कर देना है तो हमारा यहाँ वाई इक्वल टू 125 डिग्री निकला। ओके, y इक्वल टू 125 निकला, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल टू 125 डिग्री। ओके, तो ये हमारा y का वैल्यू अब यहाँ से निकल गया। क्वेश्चन नंबर बी में देखो आप लोग कि यहाँ 68 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल जो है 68 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें ये निकालना है, एंगल x निकालना है। कैसे हम निकालेंगे, ध्यान से देखना होगा, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा। देखो आप लोग, तो यहाँ 68 डिग्री है, सेम उसी तरह से जैसे यहाँ ऊपर दे दिया था आप लोग को नीचे निकालना पड़ा, यहाँ भी वही है। यानी यहाँ पे यहाँ 68 डिग्री दिया हुआ है तो ये भी हमारा 68 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो ये 68 हो गया, ये भी 68। अब x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे यदि हमारा एक एंगल 68 डिग्री है तो स्ट्रेट लाइन का वैल्यू कितना होता है, 180। सो हम क्या करेंगे, 180 माइनस 68 कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो हम यहाँ 180 माइनस 68 कर रहे हैं तो हमारा x का वैल्यू यहाँ से 112 निकल गया। ओके, 112, तो हम यहाँ से x का वैल्यू हमारा 112 डिग्री यहाँ से हम निकाल लिए। कैसे, ये हमारा संगत कोण है उस हिसाब से यहाँ से निकल गया। ठीक है, ये सब संगत कोण पे ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है 100 डिग्री, ये दिया हुआ है और आपको ये निकालना है एंगल x, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरह से आप लोग देखो तो 100 डिग्री यहाँ नीचे दिया हुआ है, यहाँ भी संगत कोण, ये एंगल जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि सभी ये इससे रिलेटेड होते हैं, तो ये नीचे वाले भी इससे रिलेटेड संगत कोण होते हैं, यानी कि 100 डिग्री ये है तो हमारा भी ये भी हमारा 100 डिग्री ही होगा। ओके, संगत कोण बन रहा है। ठीक है, तो जब ये 100 डिग्री हो गया तो अब 180 से हम x को माइनस कर देंगे, 180 से हम 100 को माइनस कर देंगे तो हमारा x निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसी तरह से यानी कि 180 माइनस 100 डिग्री कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 80 डिग्री यानी हमारा x का वैल्यू 80 डिग्री निकल गया। तो गाइज आशा करती हूँ कि आप लोग को ये जो डाउट्स है इसमें कि ये कहाँ से कैसे हो गया, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये टोटली डिपेंडेंट है संगत कोण के आप लोगों का डिफिनेशन पे। यदि संगत कोण का
डिफिनेशन यदि अच्छी तरह से पता है, याद है आप लोगों को, नहीं भी पता है तो आप लोग वीडियो इसके पहले वाले वीडियो को देख लेना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, तो आप लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, तो आप लोग घर में रहना, सेफ रहना, और घर से बाहर प्लीज मत निकलना क्योंकि COVID-19 बहुत ज्यादा फैल चुका है। सो प्लीज स्टे इन होम एंड स्टे सेफ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।